हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स, पीरियड्स एंड ग्रुप नंबर। इसके साथ साथ आप सबशेल और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा बेटा, आप जब भी ब्लॉक्स और पीरियड्स को डिटरमाइन करते हैं तो आप कह सकते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ब्लॉक्स, एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल कर रहे हैं तो उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में या जिस सबशेल में एंटर कर रहा है वही उसका क्या हो जाता है बेटा, ब्लॉक हो जाता है। ऐसे ही आप बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड, तो डिटरमिनेशन ऑफ पीरियड में क्या बात आएगी, मैक्सिमम डिजिट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम शेल नंबर आएगा वही उसका क्या हो जाता है बेटा, पीरियड नंबर हो जाता है। जैसे एग्जांपल आप देखते हैं लिथियम, लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2, 2s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है बेटा, s में। इट मीन आप कह सकते हैं कि ब्लॉक कौन सा हो गया, s ब्लॉक। क्या हो गया, s ब्लॉक। और पीरियड नंबर क्या हो जाता है बेटा, हाईएस्ट डिजिट क्या आ रही है यहां पर, 2। इसका मतलब लिथियम क्या है, सेकेंड पीरियड का मेंबर है। क्लियर। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं बेटा Na 11 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है बेटा, s में। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, s ब्लॉक। ठीक है। और हाईएस्ट डिजिट क्या आ रही है इसमें, 3। तो पीरियड नंबर क्या हो जाता है यहां पर, पीरियड नंबर 3। इसका मतलब थर्ड पीरियड का सोडियम एलिमेंट जो होता है वो मेंबर है। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं बेटा एल्यूमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है बेटा, पी सबशेल में। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा इसका, पी। और पीरियड नंबर 3, एल्यूमिनियम पीरियड नंबर 3 में मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखिएगा डिटरमिनेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स को आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे यहां पर। देखिएगा मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर देता हूं, ग्रुप नंबर फर्स्ट है आपके 4s ब्लॉक एलिमेंट्स। s ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अपन बात करते हैं बेटा सोडियम, सोडियम 11 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है बेटा, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं बेटा सोडियम जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रुप मेंबर। क्लियर। फिर आप बात करते हैं, ऐसे काफी सारे एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आप देखेंगे बेटा नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, कि जब भी आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट वे में आप लिखते हैं और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो वही उसका ग्रुप नंबर हो जाता है। क्लियर बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिएगा फोर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या बात आएगी, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। जैसे आपने लिया बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3, और प्लस 10 कर दें तो कितना आता है, 13। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, 13। और 13 को और क्या कहा जाता है बेटा, थर्ड ए ग्रुप। तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं बेटा 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हो जाएगा आपके थर्ड ए। क्लियर। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर को डिटरमाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अपन बात करते हैं बेटा ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सबशेल। लास्ट डी सबशेल की बात करेंगे तो देखिएगा एग्जांपल लेते हैं यहां पर स्कैंडियम SC21, 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यहां पर ग्रुप नंबर हो जाएगा बेटा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू आउटर इलेक्ट्रॉन। आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। तो आउटर इलेक्ट्रॉन कौन हो जाता है बेटा, हाईएस्ट डिजिट आउटर इलेक्ट्रॉन नंबर होती है आउटर शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सब शेल। लास्ट डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डी में 1, कितना आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा बेटा 3। तो स्कैंडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, 3 का, और इसको आपने क्या कहा है, थर्ड बी ग्रुप भी कहा है। क्लियर क्या, इस तरीके से आप किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर उसका आउटर इलेक्ट्रॉन आप चेक कर सकते हैं और उसमें लास्ट डी इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आयरन, आयरन क्या है आपके 26 है, 26 के लिए क्या हो जाता है बेटा, यहां पर आप लिख सकते हैं आर्गन 18, 4s2, 3d6। ओके, तो यहां देखिएगा 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26 हो जाता है। क्लियर, अब आप बोल सकते हैं आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, प्लस डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, 6, तो टोटल कितने हो गए बेटा 8। तो 8 नंबर का ग्रुप होगा बेटा जिसमें आयरन फर्स्ट मेंबर के रूप में फिल किया जाता है या रखा जाता है। क्लियर बेटा, फिर बात आती है आपके फॉर एब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं बेटा सभी थर्ड बी ग्रुप के मेंबर होते हैं। थर्ड बी ग्रुप में दो आपके लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज के 14 मेंबर और एक्टिनॉइड सीरीज के भी 14 मेंबर यहां पर मेंशनड है। क्लियर, तो 28 मेंबर जो हैं वो कहां पर प्रेजेंट होंगे बेटा, थर्ड बी ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। तो ए ब्लॉक कंप्लीटली कहां रखा हुआ है, थर्ड बी ग्रुप में। तो टोटल आप बात करें कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की, तो आप कह सकते हैं बेटा कि सबसे लॉन्गेस्ट जो पीरियड होगा, हाईएस्ट या लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट ग्रुप जो होगा वो थर्ड बी है। इसमें 28 प्लस 4 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्लियर क्या, नेक्स्ट देखिएगा, डिटरमिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। केस फर्स्ट देखिएगा, जब भी आप एलिमेंट्स का डिटरमिनेशन करते हैं तो आपको पीरियड नंबर मालूम होना चाहिए और उसका इवन और ओड होना भी डिटरमाइन करना आना चाहिए बेटा। क्लियर, देखिएगा केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बात आती है आपके, इफ एन इज इक्वल टू ऑड पीरियड, ऑड पीरियड यदि प्रेजेंट है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, ऐसे ही केस नंबर 2, इफ एन इज इक्वल टू इवन पीरियड्स, इवन नंबर पीरियड्स हैं आपके, तो हो जाएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2। एग्जाम्पल देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एट, एट क्या है बेटा आपके, इवन नंबर है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, एन प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपके एन इज इक्वल टू, एट की वैल्यू रखते हैं प्लस 2 स्क्वायर करते हैं तो 100 डिवाइड बाय 2 आ जाता है। तो कितने एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा यहां पर, एट हॉरिजॉन्टल लाइन में 50 एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं आपके। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, डिटरमिनेशन ऑफ सब शेल्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू रूट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय 2। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, यहां पर जब भी आप सबसेल को याद रखें या सबसेल का डिटरमिनेशन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेल आप डिटरमाइन करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेल इज इक्वल टू रूट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और अभी अभी आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन करना सीखा है ऑड नंबर और इवन नंबर वाले फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, इसमें देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं आप, नंबर ऑफ सबसेल इन नाइन्थ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय 2 का रूट।
ओके तो आप देखिएगा यहां पर नाइन्थ क्या है, पीरियड नंबर है, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया ना एन। तो पहले आपको नंबर ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू। तो आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू नाइन है, तो नाइन प्लस वन स्क्वायर अपॉन टू, तो हंड्रेड बाई टू, तो फिफ्टी एलिमेंट कितने आ जाते हैं यहां पर, 50 एलिमेंट आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सब शेल इज इक्वल टू रूट 50 डिवाइड बाय 2, तो रूट 25, और रूट 25 होता है 5। इट मीन आप टोटल नंबर ऑफ शेल कितने मेंशन कर सकते हैं, 5, एस पी डी एफ ओ जी। क्लियर बेटा? तो देखिएगा यहां पर इस वीडियो में आपको मिलेगा बेटा ब्लॉक नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, पीरियड नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, ग्रुप नंबर का डिटरमिनेशन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई सा भी पीरियड आपको गिवन हो आप वहां से टोटल एलिमेंट बता सकते हैं, और ऐसे ही सब शेल का नंबर भी आप बता पाएंगे बेटा। तो बारी बारी से वीडियो को देखिएगा और समझें हर चीज को, हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। क्लियर? थैंक यू बेटा।